Hello student, today we create bookmark for a Independence Day. Okay, let's start. How can make bookmark? First we take white sheet of chart paper. Okay, first we draw a kite with height of 3 inch अप्रोक्स, यानी कि हमें 3 इंच हो सके वाइट शीट में काइट ड्रॉ करना है. जैसे 3 इंच, 3 इंच यानी कि ये इंच है, ये सेंटीमीटर है. तो हम पहले 3 इंच की स्केल से हम लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, यहां से भी 3 इंच. ओके, यहां से ये सेंटर पॉइंट में हमने लाइन बना दी. यहाँ से ऐसे थोड़ा स्लैंट ज्यादा करेंगे. ओके, स्केल से हमें ड्रॉ करना है बीच वाली लाइन, इरेज कर दी और ये हमारा काइट बन गया. ओके, अब इसमें हम कुछ पैटर्न बनाएंगे विथ हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल एंड ड्रॉ अ लाइन पैटर्न इनसाइड द काइट. ओके, तो पहले हम बीच में कोई भी पैटर्न बना सकते हो. मैं इंडिपेंडेंस के लिए बना रही हूँ तो फ्लैग बनाएंगे इंडिया का. ओके, अब आप पेंसिल से कोई भी पैटर्न बना सकते हो. ओके, और इसमें हम कलर फिल करेंगे. तो फ्लैग के कलर करने हैं तो सबसे पहले ऊपर ऑरेंज कलर आएगा, जहाँ पे लाइन है
ओके नीचे डार्क ग्रीन कलर, बीच में हम वाइट रखेंगे। इंडिपेंडेंस के लिए बनाना है तो सबको कंपलसरी ग्रीन और ऑरेंज और वाइट कलर ही फिल करने हैं और कोई कलर नहीं फिल करने हैं। ओके अब इसको हम कट करेंगे। थोड़ा सूखने के बाद इसको हम कट करेंगे, तब तक हम साइड में रखेंगे इसको और ओके इसको साइड में रख के सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक हम जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको एकदम से पतला पतला लंबी सी स्ट्रिप बनाएंगे। एकदम से छोटी छोटी और इसको हम ऐसे यहाँ से रोल कर देंगे जिसके लिए इसकी पूंछ बन जाए। बड़ी लग रही है थोड़ी तो उसको हम काट देंगे। ओके उसके बाद छोटे छोटे हम ट्रायंगल कट करेंगे। ऐसे छोटे छोटे हमने जो ट्राइंगल कट किए वो साइड में रखेंगे। ये जो छोटे छोटे हमने ट्राइंगल बनाए उसमें हम कलर फिल करेंगे। इंडिपेंडेंस है तो कंपल्सरी हमें ग्रीन ऑरेंज और वाइट ही रखना है।
अब हम ऑरेंज कलर फिल करेंगे। और ऐसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। ओके, इतना होने के बाद अब हम इसके पीछे बुक के अंदर जैसे बुक मार्क होता है वो जैसे अंदर जाता है वैसे उस पीछे की साइड उसकी हम बनाएंगे। उससे पहले ये काइट को थोड़ा सा कट करके साइड में रखते हैं। ओके, ये जितनी साइज है ऊपर की जो ट्राइंगल है उतनी ही साइज का, जैसे हम ये ट्राइंगल लेती हूँ मैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मैं पेपर में एक और ट्राइंगल बनाऊंगी। 5 सेंटीमीटर से एक ज़्यादा लेना है यानी कि 6, यहाँ से भी ऐसे 6। ओके, अब इसको हम कट करेंगे। ओके, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब 1 सेंटीमीटर उससे छोटा कम, जैसे हमने 5 सेंटीमीटर लिया था ना और एक ज़्यादा लिया था, तो एक डॉट रखेंगे 1 सेंटीमीटर पर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर पर ऐसे डॉट रखेंगे और वापस ऐसे लाइन बनाएंगे। ओके, अब इसको कट करना है। ओके, ऐसा हो गया। अब जहाँ पे हमने लाइन की वहाँ से हमें फोल्ड करना है ऐसे और ऐसे, हो गया। ओके, अब इसको इसके ऊपर ऐसे चिपकाना है। ओके, हो गया। अब जो काइट हमने बनाया उसको हम कट करेंगे। ओके, अब जो हमने पूंछ बनाई थी उसको इसके ऊपर ऐसे चिपकाएंगे और इसको थोड़ा फैला के जैसे ऐसे। ओके, अब जो हमने ट्राइंगल बनाए हैं
ये वाले उसके ऊपर हम अलग इसको थोड़ा फैला के उसके ऊपर हम चिपकाएंगे। ओके, ये हमारा काइट रेडी हो गया है ना। अब जो हमने वो ट्रायंगल बनाया था ये वाला ऐसा बनेगा, देखो पीछे से। ओके, अब इसको यहाँ पे ग्लू लगा के उसके ऐसे एग्जैक्टली पीछे चिपकाना है। ओके, समझ गए। अब कोई भी बुक मार्कर, यानी कि क्या कि कोई भी बुक हो हम रीड करते हैं, जैसे ये बुक मैं रीड करती हूँ, रीड करते करते मुझे अब आगे रीड नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ बीच में पेंसिल या पेपर रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें ये जो हमने काइट बनाया वो इस ये ट्रायंगल है उसके अंदर ऐसे इसके अंदर ऐसे लगा देना है, समझ गए। ये हम और बुक को हम ऐसे बंद कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रीडिंग कहाँ से बाकी है। तो हम सीधा हम ऐसे ओपन करके ये हमारा बुक मार्कर देख सकते हैं और कहाँ से रीडिंग करना है वो समझ सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा ही बुक मार्कर बना के मुझे मेरे नंबर पर आप सेंड करो। ओके स्टूडेंट।